रुपए जी बात करें अगर बिनौला कल की, तो वो देख रहे हैं कि अभी 2500 पर की 2500 के ऊपर सस्टेन होके चल रहा है। आपको क्या लगता है बिनौला कल भी 2500 के दायरे में कब तक रहेगा और 2600 के पार कब तक जाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए बिनौला कल में अगले तेजी है, लेकिन अभी हमने देखा कि पीछे इसको थोड़ा सा कॉटन के साथ कोरिलेट करेंगे कि कॉटन जो है वो अपने हाई रिकॉर्ड बनाने के बाद उसमें जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली है और सीबोर्ड पर भी पिछले एक हफ्ते में कॉटन 6% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। और वहीं M6 की बात करें तो M6 पर भी 5% लुढ़का है। तो जो M6 पर नया हाई बनाने के बाद कॉटन ऊपरी स्तरों पर गिरा है, दरअसल उसमें मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दी है और सीबोर्ड पर भी अपने 2011 के उच्चतम स्तरों से फिसल चुका है। तो उसका एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से बिनौला कल अभी फिलहाल उठ नहीं पा रहा है, लेकिन कॉटन में अभी भी तेजी है क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया में कॉटन के उत्पादन में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका में उत्पादन 3% कम रहने का अनुमान लगाया गया है, भारत में भी प्रोडक्शन कम रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड कॉटन कंजम्पशन ग्रोथ में भी 2.9% की अभी फिलहाल बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज है और प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड वाइड कम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कॉटन में को और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर हम बिनौला कल की कीमतों के ऊपर भी आता हुआ देख सकते हैं। और बिनौला कल की कीमतें भी वापस से तेजी की तरफ जा सकती है। ये काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है बाइंग के लिए। आप ये समझ के चलिए कि लॉन्ग टर्म होरिजन जिसका वो बिनौला कल में वही इसमें बाइंग करके चल सकता है। दिसंबर वायदा ना लीजिए, जनवरी वायदा में आप पोजीशन बना सकते हैं। 2500 के नीचे जिस दिन भाव मिले आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बड़ा है तो टारगेट भी इमीडिएट आपको बड़े देखने को मिल सकते हैं। 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर डिप पे आप बाय करें और ऊपर में 2800 तक 2600 से इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 2600 का रहेगा, उसके बाद 2800 तक के स्तर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिनौला कल अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर इसके अंदर बाइंग की जाए तो निचले स्तर पर वेट करें, निचले स्तरों पर बाइंग करें और आने वाले दिनों में आपको एक लंबा होरिजन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा टारगेट आप लेकर चल सकते हैं 2800 तक का, यानी कि करंट लेवल से अगर देखा जाए तो अभी भी 300 से 400 पॉइंट की तेजी एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकती है। जी,